बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर आमिर इकबाल, और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि एक ऐसी मेडिसिन जो कि हमारे मेदे के लिए बहुत अच्छा काम करती है, जो देर पा एक असर रखने वाली मेडिसिन है। मैं आपको बताऊँगा कि एबस नेग्रा मेडिसिन किस तरह काम करती है। एबस नेग्रा हमारी एक बहुत ही अच्छी और देर पा असर रखने वाली दवाई जो होम्योपैथिक में इस्तेमाल होती है। एबस नेग्रा एक बहुत ही पावरफुल और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एबस नेग्रा पेट की कोई भी अलामत हो, मेदे की अलामत हो, जो हार्ट तक आती हो, दिल में इस तरह तरह प्रॉब्लम होती हो, तो वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, मेदे में एक गोले का एहसास होना, तो वहाँ एबस नेग्रा मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। तो जिस तरह एबस नेग्रा का जो पेशेंट होता है, कभी उसकी पल्स रेट हाई हो जाती है, कभी पल्स कम हो जाती है, तो उस जगह हम एबस नेग्रा की मेडिसिन देते हैं। तो मेडिसिन ये आप किस किस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? आप एक तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप मेदे में जलन, खाना खाने के बाद फौरन तकलीफ शुरू हो जाना, सुबह आपने कुछ ना खाया हो और रात को जाके आपको भूख लगी हो, तो उधर एबस नेग्रा मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें चाय की आदत बहुत ज़्यादा हो, तंबाकू के इस्तेमाल करने की आदत ज़्यादा हो, और जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो, पेट में छाले, पेट में किसी किस्म का दर्द, गैस्ट्रिक शिकायत, हार्ट बीट बढ़ जाना, कम हो जाना, वहाँ एबस नेग्रा बहुत अच्छा काम करती है। इसे आप थोड़ा लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो जब आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल छोड़ दें। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है? आपने 5 कतरे 30 पोटेंसी में लेने हैं, एबस नेग्रा 30। इसको 5-5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम थोड़े से पानी में आपने इस्तेमाल करें।